दोस्तों, रेस्टोरेंट के खाने को आप मिस कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप रेस्टोरेंट के खाने को मिस नहीं करोगे। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आज फ्राइड राइस बनाएंगे और वो भी स्मोकी फ्लेवर लाएंगे। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली के चैनल में आपका स्वागत है। रोज नई वीडियो के लिए पारुल भानुशाली के चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फीडबैक आप मुझे देते रहिए। रोज नई वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर चाइनीज राइस के लिए जो लंबे वाले चावल आते हैं ना, बिना खुशबू वाले, वो लिए हैं। और ये जो चावल है ना, ये बासमती चावल की तरह बड़े ही बन जाते हैं। और ये चावल को हम बहुत ही अच्छे से धो लेंगे पहले, और धोकर हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि इसका जो दाना है ना, खिला खिला बन जाए। यहाँ पर आप बासमती चावल भी ले सकते हो। और यहाँ जो है, मैंने समझ लीजिए 2 कटोरी चावल लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 ग्लास गरम पानी करने के लिए रख दिया है। पानी गरम होते ही हमने इसके अंदर 1 चम्मच तेल ले लिया है और स्वाद अनुसार नमक, और गरम पानी में हम ये हमारे भिगे हुए चावल डाल देंगे। और यहाँ पर ये चावल को हमें 8 से 10 मिनट के अंदर ही सिर्फ इसको पका लेना है, ओवर कुक नहीं करना है। तेल की वजह से ये जो हमारे चावल है ना, चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये उबले हुए चावल, जैसे कि हमने 70-80% पकाया है, उसे हमने एक छन्नी में ले लिया है। ऊपर से हमने ठंडा पानी डालकर इसे धो लिया ताकि उसकी कुकिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के जितना तेल ले लिया है। तेल गर्म होते ही हमने यहाँ पर समझ लीजिए कि 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है। लहसुन को हम अच्छे से सोते कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हाई रखनी है। चाइनीज जो खाना बनता है ना, तो वो पूरा हाई फ्लेम पर ही बनता है। मैंने यहाँ पर लंबी लंबी बारीक कटे हुए गाजर लिया है। और आप चाहे तो यहाँ पर जो है, आपको प्याज पसंद हो तो वो भी ले सकते हो। हमें गाजर को ऐसे सोते कर लेना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लहसुन है ना, वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका था। और उसके बाद हमने गाजर लिया। अब हमने यहाँ पर लिया है जो हरा प्याज रहता है ना, उसके आगे का जो सफ़ेद प्याज होता है, वो सफ़ेद प्याज को बारीक काट के 1 कटोरी के जितना हमने ले लिया है। और यहाँ पर हमने उसके बाद लिया है लंबी कटी हुई पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, और इसे भी हम है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखना है। और अब हम यहाँ पर इसमें ले लेंगे जो हमारे ग्रीन ऑनियन लीव्स होते हैं ना, जो हरे प्याज के पत्ते, वो भी ले लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर ये सारा जो काम है ना, बहुत ही फटाफट करना है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, मतलब कि 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून हम ले लेंगे यहाँ पर विनेगर। और ये सारी सब्जी को हमें ओवर कुक नहीं करना है। अब सोया सॉस और विनेगर डाल के हम बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखना है और ये काम हम सारा फटाफट करेंगे। और तुरंत हमारे उबले हुए जो चावल है ना, वो यहाँ पर ले लेंगे। और ये जो चावल है, इसको हमें है ना यही ख्याल रखना है कि ये टूट ना जाए। हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक लेंगे, पर नमक हमें संभाल के लेना है, क्योंकि जो हमने सोया सॉस और विनेगर लिया है ना, उसमें भी नमक होता है। और इसे फटाफट से 2 मिनट में ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्राइड राइस तैयार है। और उसके साथ मैंने ले लिया है यहाँ पर फ्राइड राइस का मसाला, मतलब कि चाइनीज मसाला। इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर हमें है ना यही ख्याल रखना है कि हमारे चावल जो है टूटने नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्मोकी फ्लेवर लाएंगे, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर है ना एक छोटा सा पत्ता गोभी का टुकड़ा रख दिया है। यहाँ पर हमने है ना गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और पत्ता गोभी रखने के बाद जो हमारे पास ऐसे जो दियाबाती होती है ना, जो कापूस की, उसको रख देंगे। यहाँ पर मैंने लाइट ऑफ नहीं की है, तो आपको प्रॉपर वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये मैंने दिन में बनाया है, तो लाइट ऑफ करने का सवाल ही नहीं हो रहा था। और इसके ऊपर जो हमें ना यहाँ पर उसको ढक देंगे, जैसे मैंने ग्लास से ढककर आपको दिखाया है,
कि ये है ना एक मिनट के अंदर इसको हवा नहीं मिलेगी तो हमारी जो दिया बाती है वो बुझ जाएगी, उसका पूरा स्मोकी फ्लेवर हमारे चावल में आ जाएगा। अब मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, ये प्रोसेस को आप 2 से 3 बार करोगे ना तो हमारा पूरा जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो राइस में आ जाएगा, मतलब कि हमारे प्रॉपर स्मोकी फ्लेवर वाले फ्राइड राइस बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपके साथ मैंने और एक रेसिपी शेयर की थी कि आप यहाँ पर कोयला या तो फिर जो नारियल का जो कवर होता है ना उससे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। तो हमने सिर्फ बारीक कटे हुए हरे प्याज से इसको गार्निश कर दिया है और बहुत ही आसान विधि से हमने ये चाइनीज फ्राइड राइस बना लिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।